सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारे TSG विहान के बारे में होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी से लगभग 3 से 4 महीने पहले TSG विहान का बोर्ड एग्जामिनेशन था, जिसके कारण वो TSG से कुछ टाइम के लिए चले गए थे, ठीक है ना। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि उसी टाइम के आसपास टीम लीड भी डिसबैंड हुई थी, जिससे आइकॉनिक और किलर हमारे TSG आर्मी में आ गए थे। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा है कि जो TSG विहान थे उनके बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए हैं और वो वापस खेलने आ चुके हैं, लेकिन वो अभी TSG पे एंटर नहीं हुए हैं। तो इसी के बारे में हमारे रॉकी भाई ने कुछ बोला है कि क्या आप TSG विहान क्या आप खेल सकते हैं TSG आर्मी से, क्या TSG विहान का अभी भी TSG आर्मी के साथ खेलना पॉसिबल है, क्योंकि अभी किलर और आइकॉनिक खेल रहे हैं, किलर आइकॉनिक हो जाएंगे, सासुके भी है, ओजस्वी भी है, TSG लेजेंड भी है, तो मतलब टीम बहुत बड़ी हो जाएगी अगर विहान को भी TSG आर्मी अपने अंदर रखती है तो। इसके अलावा रोकी भाई ने विहान दत्ता के गेम प्ले के बारे में भी कुछ कहा है, तो वो आप क्लिप देख लीजिएगा। और अगर आपको आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की क्लिप देखते हैं। उनके अभाव में RNX Esports को एक सूटेबल रिप्लेसमेंट चाहिए था, बट आउट ऑफ नोवेयर विहान दत्ता, स्ट्रेट अवे विहान दत्ता, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद विहान आए हैं। टू साइड गेमर्स में इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट शायद विहान को अभी तुरंत मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पे 4 सेटल डाउन प्लेयर्स ऑलरेडी टू साइड गेमर्स में खेल रहे हैं। TSG का इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो है उनका मैच भी होगा, और उसमें भी मुझे नहीं लगता कि विहान को संपूर्ण मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं गिनूं कि अगर किलर, आइकॉनिक, लेजेंड या फिर उज्जवल में से कोई एक प्लेयर बाहर भी बैठता है राउंड में, उसके बावजूद भी वहां पे सास्के बैठे हुए हैं जगह लेने के लिए। सास्के अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं कि किसी के रिप्लेसमेंट में खेलें, तो वहां पे और ओजस्वी, हाउ कुड वी फॉरगॉट बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ओजस्वी के भी खत्म हो चुके हैं। तो उस हिसाब से विहान शायद वहां पे टीम से कहीं ना कहीं उनका जो है ड्रॉप आउट होना लाजमी था। बट रावण भाई विहान दत्ता देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, और हम भूल नहीं सकते इनके और सास्के के दम पे टू साइड गेमर्स ने वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का कॉन्क्वेस्ट 2 जीता था। और मैं अभी भी बता दूं, बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी, इनको एक अरसे से मैं जानता हूं, इनकी प्रतिभा बहुत है, एंड रावण भाई बाला माफिया।